watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज हमारा मज़मून है रूह के फल, और आप सब जानते हैं कि रूह के फल जो हैं वो नौ हैं। कितने हैं? और उसका जो पहला फल है वो मोहब्बत है। आज हम उसके ताल्लुक से सीखेंगे, और मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये कलाम जो है आपकी ज़िंदगी में असर करेगा, इफेक्टिव होगा और हम सब बरकत पाएंगे। जैसा मैंने आपको जब मैसेज हुआ तो उसमें बताया कि कई मर्तबा हम बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं रूह की नेमतों पर, जिसमें ईमान है, नबूवत है, इम्तियाज है, गैर ज़ुबानें हैं, गैर ज़ुबानों का तर्जमा है। हम इन नेमतों के लिए जो है बड़ी तबोदोक करते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट्स करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये आए और हम बरकत पाते रहें। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर जो खुदा हमें जिस बात के लिए इंसिस्ट करता है, और पालूस रसूल इसकी तालीम देता है कि रूह के फल जो हैं वो हमारी ज़रूरत है। और हमने मत्ती की अंजील में भी देखा और सीखा कि जिस दरख्त के ऊपर फल नहीं है उस पर यीशु मसीह ने, जब अंजीर के दरख्त में अंजीर खाने के लिए उधर यीशु मसीह उस दरख्त के पास गए तो वहाँ जब फल नहीं पाया तो उसके ऊपर लानत थी, और उसी वक्त वो जो दरख्त था वो सूख गया। इसी तरह जब यीशु मसीह नेक्स्ट प्लेस पर गए तो वहाँ पर भी उन्होंने ये तालीम दी कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट दिया जाता, वो काट दिया जाता। सो एज अ स्पिरिचुअल पर्सन होते हुए, रूहानी शख्स होते हुए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी को फ्रूटफुल करें, फलदार करें, और इसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को फलदार कर सकते हैं या हो सकती है। सो इसे समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम रूहुल कुद्स के ताबे हों। सो जो नेमतें हैं वो हासिल होती हैं, हमें मिलती हैं नेमतें। जैसे मैंने आपको कहा, ईमान की नेमत, मौजज़ात की नेमत, शिफा की नेमत, रूहों का इम्तियाज, गैर ज़ुबानें, गैर ज़ुबानों का तर्जमा, ये हमें मिलता है। खुदा हमें देता है तो हमें मिलता है। फल है ये पैदा होते हैं, और जो चीज़ पैदा होती है वो प्रोसेस लेती है। इन फलों को रूह में पैदा करने के लिए हमें यीशु से मिली हुई है, व्यवस्था है, मिलने का मतलब है जुड़ी हुई है, व्यवस्था है, बाइंड है, एक कनेक्शन में उस जिंदगी में फ्रूट्स होंगे, ये फल होंगे, और ये यीशु के बगैर नहीं हो सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु नहीं है तो ये फल जो है ये पॉसिबल नहीं है कि ये हो, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपकी ज़िंदगी में मैच्योरिटी तक जाए, आगे तक जाए और आप इसमें बढ़ सकें। सो व्हाट वी नीड इट इन फलों को कायम करने के लिए, अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो खुदा यीशु ने हमें वार्न किया, वार्निंग दी है कि वो हमें काट डालेगा, फेंक देगा और हम सूख जाएंगे और आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इसलिए एज अ क्रिश्चियन होते हुए हमारी ज़िंदगी में इन फलों का होना, परफॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट। सो थिंक इज दिस कि पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, हम उन चीज़ों को ज़रूरत समझते हैं जो खुदा हमें कहता है कि ये नीड है हमारी, ये स्पिरिचुअल नीड है, ये रूहानी हमारी ज़रूरत है। अगर ये नहीं होंगे, हम जितनी मर्जी वर्शिप कर लें, हम जितना मर्जी कलाम पढ़ लें, ये फल साबित करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में ये फल नहीं है तो ये साबित होता है कि हम करेक्ट जगह पर नहीं हैं, हम करेक्ट वर्शिप नहीं कर रहे। मेरी बात को समझिए। अभी तक फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और अगर वो एग्जाम्स में पास नहीं होता, इम्तहान में पास नहीं होता, तो इट मींस आप समझते हैं या तो उसका टीचर ठीक नहीं, या ट्यूशन के टीचर ठीक नहीं, या स्कूल ठीक नहीं, कोई प्रॉब्लम है,
या बच्चा वीक है, क्योंकि जब ये स्कूल जा रहा है, ये पढ़ रहा है, हम इसकी फीस दे रहे हैं, ये रेगुलर जा रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये रिजल्ट बेहतरीन नहीं आता है, इट मींस कि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि अगर एक शख्स स्कूल जा रहा है, ट्यूशन ले रहा है, पढ़ रहा है, वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता, अगर कामयाब नहीं होता, तो क्या प्रॉब्लम है? हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा। इसी तरह क्रिश्चियन लाइफ में अगर हम बपतिस्मा ले लें, बाइबल पढ़ लें, कोर्सेज कर लें, डिग्रियां ले लें, जो कुछ भी कर लें, अगर हमारी जिंदगी में फ्रूट नहीं है, तो खुदा ये रिजल्ट अखस करता है, खुदा ये नतीजा निकालता है कि हम खुदावन के साथ व्यवस्था नहीं है। दिस इज बेटर, हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो उसका रिजल्ट ये है कि खुदावन यीशु कहता है कि मैं काट दूंगा और फेंक दूंगा और आग की झील में तुम चले जाओगे। और एक शख्स ने खुदावन यीशु मसीह को कहा, यीशु ने यह तमसील दी कि बाग का मालिक जो है वो आया और उसने एक दरख्त देखा कि वो फल नहीं दे रहा, और 3 सालों से वो लगातार आ रहा था उस दरख्त से फल हासिल करने के लिए, और आखिरकार उसने कहा कि इसे काट के फेंक दे, ये क्यों इस जगह पर, इस जगह को घेरे हुए है, इस प्लेस पर ये क्यों रुका हुआ है, इसे फेंक देना चाहिए, इसे काट देना चाहिए, क्योंकि ये फलदार नहीं है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर आप 10 सालों से वर्शिप कर रहे हैं, अगर आप 20 सालों से प्रस्तिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कलाम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, एल्डर्स हैं, डीकन हैं, और अगर आपकी जिंदगी में फ्रूट नहीं है, तो फिर There is no result. इसका मतलब यह है आप कहीं और व्यवस्था है, आप कहीं और जुड़े हुए हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप यीशु के साथ जुड़े हो और आप बेफल हो। You understand it? It is not possible कि यीशु दरख्त हो, आप डाली हो और आपके ऊपर फल ना लगाओ। It is impossible. बाइबल इसे कहती है कि ये नामुमकिन है। और अगर आपकी जिंदगी में ये नामुमकिन हादसा मुमकिन है, तो बाइबल आपको फोन कर रही है, खबरदार कर रही है कि इसके लिए एफर्ट करें। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वार्निंग ये है कि खुदा आपको काट कर फेंक देगा, वो आपके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर देगा। जो डाली फल लाती है उसको वो छांटता है, और जो फल नहीं लगती उसे छांटता नहीं, उसे काट देता है, उससे अपना ताल्लुक अलग कर लेता है, उससे सेपरेटेड हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, इससे पेशतर के खुदा आपसे अलग हो जाए और यीशु मसीह आपको अपनी पवस्तगी से अलग कर दे, अपने कनेक्शन से अलग कर दे। हमें अपनी पोजीशन को देख लेना चाहिए कि हम किससे जुड़े हुए, हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ। और इसलिए मैंने कहा कि ये फल जो है वो पैदा होते हैं, और इस इन फलों के पैदा करने का जो मंबा है वो यीशु मसीह, इसका बानी यीशु है, हम इसके क्रिएटर नहीं है। सो पहला जो फल इसको यूं हम कह सकते हैं, एक फल के अंदर जो है वो 9 खूबी है, ये फ्रूट्स नहीं है, ये फ्रूट है। और इसके अंदर जो पहली जो इंग्रेडिएंट है या इस फल का जायका है वो है मोहब्बत। जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, मसीह होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, ईमानदार होते हैं, तो पहले जो रूहुल कुद्दस आपके अंदर जायका पैदा करता है आप फल के अंदर, वो है लव, मोहब्बत। और जब हम यूनानी लैंग्वेज को समझते हैं मोहब्बत के लिए, तो वो मोहब्बत को डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी वजाहत के लिए 4 मुख्तलिफ जो है वो लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं।
पहला लफ्ज जो वो चुनते हैं वो एरोस लव है। ये वो मोहब्बत है जो मियां बीवी के अंदर है, शोहर और बीवी के अंदर जो है मोहब्बत पाई जाती है। और ये इस मोहब्बत से शर्माना नहीं चाहिए। कुछ लोग जब इसका जिक्र किया जाता है तो मुंह इधर उधर करते हैं। ये मोहब्बत आपकी शर्मिंदगी का बाइस नहीं है, ये मोहब्बत आपके लिए इज्जत का बाइस है। लेकिन शादी सब में इज्जत की बात समझिएगा। शर्म उन्हें आनी चाहिए जिसकी एक बीवी के बजाय दो बीवी, जिसका एक शोहर की बजाय दो शोहर है, उनको मुंह इधर उधर करने चाहिए। आपको अपने चेहरे खुदा की तरफ लगाने चाहिए, क्योंकि ये खुदा ने डिवाइन कनेक्शन बनाया है। और इस मोहब्बत के लिए बाइबल जो है वो एरोस लव का लफ्ज इस्तेमाल कर। फिर एक और यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसे हम स्ट्रेगो कहते हैं। इस मोहब्बत को खानदानी मोहब्बत से पेश किया गया, यानी जैसे वालिदैन का माँ बाप का अपनी औलाद के लिए मोहब्बत है, या फिर एक नौकर का अपने मालिक के लिए मोहब्बत, और या फिर किसी जानवर का अपने पालने वाले से मोहब्बत कर। और ये जो मोहब्बत है इसमें लिमिटेशंस है, आप उससे बढ़कर नहीं जा सकते, इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, हदें हैं। और इसी तरह एक तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मोहब्बत के लिए, फीलो, ब्रादराना मोहब्बत, जिसमें हम दोस्ती को भी समझ सकते हैं, फ्रेंडशिप को। और इस मोहब्बत के बारे में भी बाइबल मुकद्दस बताती है। जैसा मैंने आपको पहले एरोस मोहब्बत बताई, बाइबल इसके बारे में बात करती है। फिर नौकर और मालिक के दरमियान बाइबल इसके बारे में बात करते हैं, नौकरों मालिकों के ताबेदार हो, ये ताबेदारी की मोहब्बत है, चैलेंज को पूरा करने की मोहब्बत है। इट्स गुड, बाइबल इसे कहती है कि ये होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, इसमें लिमिट्स हैं, इसे पूरा करना चाहिए, इसमें अदाब, अदायगी और इज्जत, एहतराम, डिस्टेंस, कमिटमेंट, ये मोहब्बत बाइबल मुकद्दस बयान करती है। रिस्पेक्ट की मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत जो है वो खानदान में रिलेशनशिप की मोहब्बत है, जिसे हम फिलो मोहब्बत के तौर पर सीख रहे हैं, बरादराना मोहब्बत जो बाइबल मुकद्दस बताती है, जिसकी मिसाल जो है वो दाऊद और यूनतन है, जो बरादराना मोहब्बत को पेश करते हैं। इसी तरह इंसाल की किताब 18:24 में लिखा है, जो बहुतों से दोस्ती करता है वो अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। इट इज लाइक दैट। लेकिन चौथी जो मोहब्बत है उसे यूनानी जुबान में अगापे लव कहा जाता है। अगापे लव जो है ये ऐसी मोहब्बत है जो खुदा करता है, जिसके लिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हो। ये खुदा की मोहब्बत का इजहार। सो हमने चार आपके सामने जो है डेफिनेशंस मोहब्बत की रखी है। इन चारों मोहब्बतों के जो असूल हैं वो रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में पैदा करते हैं। और अब जब हम इस मोहब्बत को छानबीन करते हैं, गौर से देखते हैं, तो फिर हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमें क्या बताया जा, हमें क्या अंडरस्टैंड कर। सो नंबर वन, जो मोहब्बत है खुदा की मोहब्बत, वो ईमान लाने से हमारे अंदर तजर्बा पैदा करती है। जब ईमान हम लाते हैं खुदा पर तो फिर हमें उसकी मोहब्बत का तजर्बा हो। बगैर ईमान लाए आपको खुदा के रहम का तजर्बा हो सकता है, लेकिन उसके अगापे लव का तजर्बा नहीं हो सकता। अगापे लव का तजर्बा आपको ईमान लाने से होता है, क्योंकि जब आप ईमान लाते हैं तभी समझ पाते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्श दिया, और ईमान के बगैर आप ये समझ नहीं सकते। सो अगापे लव जो है उसे फेथ की जरूरत है कि हम उसे अंडरस्टैंड करें और उसकी एक्सपीरियंस में से गुजरें। लेकिन इसे याद रखें कि जो मोहब्बत है ये हुक्म है। मोहब्बत क्या है? हुक्म है, हुक्म है। और इसे यीशु ने दिया। यूहन्ना की इंजील 15:12 और उसकी 12वीं आयत में लिखा, यीशु ने कहा, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से
वहां पर मूसा के कितने काम है? 10। कितने हुक्म दिए उसने? और यहूदियों के पास 613 हुक्म है। यीशु मसीह हमें क्या हुक्म दे रहे? मोहब्बत। और इस एक हुक्म के अंदर सारे अहकाम जो ओल्ड टेस्टामेंट के हैं वो इसमें पूरे हो जाते, खुदा के लिए भी और इंसानों के लिए। जो मूसा को हुक्म मिले वो कुछ खुदा के लिए थे और कुछ इंसानों के लिए थे। अपने माँ बाप की, ये इंसानों के लिए, और खुदा के सामने कोई मूरत ना बना, ये खुदा के लिए। लेकिन जब हम मोहब्बत को पूरा करते हैं तो हम ये दोनों हुक्म इसी में पूरा करते हैं। आमीन। सो खुदावंद यीशु क्या कह रहा है? ये हुक्म। पौलुस रसूल कह रहा है ये रूह का फल है। यीशु क्या कह रहा है? ये हुक्म है। मोहब्बत क्या है? यीशु का हुक्म है। और रूह कुछ कह रहा है ये फल है। एंड रिमेंबर, कई एक मामला, बीमारियां, बदरूहे इस हुक्म को पूरा करने से निकल जाते हैं। कई एक मसले हल हो जाते हैं जब हम इस हुक्म को पूरा करते हैं, जब हम इसे समझते हैं। कुछ लोग हमेशा मोहब्बत का मतलब जो है वो रोंग लेते हैं। जब भी मोहब्बत लफ्ज उनके आगे आता है उनको अपनी आशिकी याद आ जाती है। व्हाट अ आशिकी, वो उसमें खो जाते हैं, वो उसमें चले। वहां से भाई बाहर है, आप वहां से बाहर आए, हम आपको कुछ और बता रहे हैं। ये यीशु मसीह की मोहब्बत और ये हुक्म है। पहली बात आपको बताया गया ये क्या है? हुक्म। जरूर बुलंद आवाज, क्या है ये? हुक्म है। दूसरी बात, ये रूह का फल है। क्या है जी? क्या है? और तीसरी बात, ये पाक है। आमीन। ये मोहब्बत क्या है? ये कैसे पाक है? ये कैसे पाक हो सकती है? हम इसे समझेंगे। आप इसे समझने के लिए पहला करंथियों 13वें बाब को अपने पास खोल सकते हैं। ये कैसे बेहतरीन है? पहली बात, इसमें बताया गया है कि ये जो मोहब्बत है इसमें सबर है, ये साबिर है। रूह जो मोहब्बत हमारे अंदर क्रिएट करता है उसके अंदर क्या है? सबर। बिलीव मी, मोहब्बत का क्रिएटर जो है वो खुदा है। खुदा ही ने आदम के अंदर मोहब्बत डाली हवा के लिए, और हवा के अंदर मोहब्बत डाली आदम के लिए। हवा ने हर आदमी को प्यार और मोहब्बत नहीं की, और आदम ने भी हर हवा, हर औरत को प्यार नहीं की। ये शैतानी मोहब्बत है जी। ये ऐसा जहनी लगाव और तनाव है जो आपको किसी के साथ भी हो सकता है, ये शैतान है। लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है उसके अंदर हदें हैं, कानून है, इज्जत है, तहमल है और सबर है। जब हम इस लव को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर हम अपनी जिंदगी में बेशुमार नुकसान देखते हैं। सो पहली बात, जो खुदा का रूह हमारे अंदर मोहब्बत पैदा करता है उसमें क्या है? सबर। मोहब्बत क्या है? साबर है, साबर है। मोहब्बत साबर है, यानी आपकी जिंदगी में जब भी मोहब्बत पैदा होगी, यीशु होगा, रूह कुछ होगा, आपकी जिंदगी में सबर होगा, आप बेसब्रे नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरक्की कर ली लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत में सबर नहीं किया, वो अंडरस्टैंड नहीं किया ये सबर क्या है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सबर को पूरा काम करने दो, पूरा काम कर। सबर आपके अंदर पीस को पैदा करता है, वेट को, इंतजार को। कुछ लोग कहते हैं यीशु से हमें बहुत मोहब्बत है लेकिन उसके लिए वो सबर नहीं करते, सबर नहीं करते। सो जब आपकी जिंदगी बेचैन होती है, सबर के बरक्स क्या हमारी जिंदगी में होती? बेचैनी। जब आपकी जिंदगी में बेचैनी होती है और इब्लीस इस बेचैनी को देखता है, वॉच करता है, और इसी बेचैनी को इस्तेमाल करके वो आपको ड्रॉप करता है, गिराता है, फिसलाता है। अंडरस्टैंड इट। खुदा का रूह आपके अंदर जो मोहब्बत पैदा करता है उस मोहब्बत के अंदर एक असर है कि आपके अंदर सबर आता है।
आपके अंदर एक सबर पैदा होता है और ये सबर जो है आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को क्रिएट। अगर आपकी जिंदगी में सबर नहीं है तो बहुत सारी चीजें हासिल की हुई आप खो देंगे, हासिल की हुई चीजें आप खो देंगे। अगर आपकी जिंदगी में सबर नहीं होगा तो आप हासिल की हुई चीजों को खो देंगे बेचैनी की वजह से, ना सबर होने की वजह से। आप अपनी हासिल करदा जो कुछ आपके पास है आप उसे भी खो देंगे अगर आपकी जिंदगी में सबर नहीं होगा। आप चीजों को खोएंगे, रिश्तों को खो सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत का ये असर नहीं है जिसमें सबर है, जिसमें सबर है। सो सबर तब ही होता है जब भरोसा होता है। अगर आपको खुदा के ऊपर भरोसा होगा तो आपके अंदर सबर होगा। अब प्लीज जब आपके अंदर से भरोसे को निकालते हैं तो वह आपको बेसबरा कर दे, फिर आप ठहरते नहीं है। You just go here and there, here and there, here and there. So वो आपकी जिंदगी से सबर को खत्म करता है। सबर साबित करता है कि आपकी मोहब्बत जेन्युइन है। हालेलुया। सबर का मतलब है बर्दाश्त करने वाला। बर्दाश्त बताती है कि आपकी मोहब्बत जेन्युइन है, असली है, हकीकी है। ये नहीं है कि आप बेसब्रे हैं, क्विक डिसीजंस हैं। रूह जब आपके अंदर मोहब्बत को पैदा करता है तो उसका असर क्या निकलता है? सबर। मोहब्बत का असर क्या है? सबर। अंडरस्टैंड इट। मोहब्बत का असर क्या है? सबर। अगर आपकी जिंदगी में सबर नहीं है, यू आर द लूजर। आप अपनी जिंदगी में लूज करेंगे चीजों, वेस्ट करते जाएंगे, खोते जाएंगे। और नंबर वन, आप अदाकार होंगे, एक्टर। जिस जिंदगी में मोहब्बत का असर सबर नहीं है वो एक्टर है, अदाकार है, और वो अदाकारियां करते हैं। जेन्युइन लव नहीं है। जेन्युइन लव बाइबल बताती है माफ करता है, सहता है, सब बातों की बर्दाश्त है। लेकिन जो जेन्युइन लव नहीं है वहां केयर नहीं है, वहां फ्यूचर नहीं है, वहां फीलिंग्स नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है। किसी से भी अट्रैक्ट हो गए, किसी के लिए भी दिलकशिश शवाएं अपने अंदर पैदा कर, किसी से भी मुतासर हो गए, किसी के लिए भी पागल हो गए, किसी के लिए भी छलांग लगा दी, नसे काट ली, लीव मी, This is so sad and bad. मोहब्बत हमें जेन्युइन कर, रोहल कुश की मोहब्बत हमें जेन्युइन करती है, हकीकी बनाती है, सबर पैदा करती है, अदाकार नहीं बनाती है। हमें समझ आती है, we are the genuine lover. हम हकीकी मोहब्बत करने वाले, और ये सिर्फ रोहल कुश करता, होली स्पिरिट करता, और फिर हमें गुड रिजल्ट्स मिलते, अच्छे नतीजे मिलते हैं। और ये खुदा के साथ जुड़े होने का निशान है। सबर खुदा के साथ जुड़े होने का निशान है। आपने देखा मसीहों को कितना अच्छा तरीका अपनाते हैं जब शादी पे ऐलान होता है कि बुफे लगे हुए जाएं। आपने देखा जब आप प्यासे हो और आपके सामने 10 प्यासे हो, कितनी अच्छी मसीह मिसाल है कि खुद नहीं पहले दूसरे को पानी पिला। कितनी अच्छी मिसाल, पहले दूसरे की तरक्की चाहते हैं कितनी। तो अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है, यू आर नॉट जेन्युइन स्पिरिचुअल क्रिश्चियन। आप हकीकी मसीही रूहानी नहीं है, क्योंकि आप जेन्युइन नहीं है, आप हकीकी नहीं है। और दूसरी बात यहां पर लिखा है कि मोहब्बत का जो असर है वो मेहरबान है। मोहब्बत क्या है? मेहरबान है। लर्न इट, लर्न इट। बाइबल मुकद्दस हमारी अंदर से गंदगी को और गार्बेज को बाहर फेंकती है। डोंट थिंक सो कि ये कलाम जो है, व्हाट इज दिस ऑन लव, ये क्या करेगा,
ये आपके अंदर से जो गंदी धज्जियां हैं उसको बाहर निकालेगा और आपको क्लीन करेगा, साफ करेगा और इस लाइक बनाएगा कि रूहुल कुछ आपके अंदर ठहर सके, आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, ये आपको जेन्युइन बनाएगा। आप एक जेन्युइन बीवी बनेंगे, आप एक जेन्युइन शोहर बनेंगे, आप जेन्युइन यीशु मसीह के शिगिर्द बनेंगे। उसने कहा कि इस मोहब्बत के बाइस ही लोग जान सकेंगे कि तुम मेरे शिगिर्द हो। ये लव जो है आपको प्रूव करे। सो मोहब्बत क्या है? मेहरबान, काइंड है। मोहब्बत क्या है? मेहरबान है, सालम नहीं है, जुल्म नहीं करती है। और इस मेहरबानी का जो बानी है वो खुदा है, नहायत रहीम और मेहरबान खुदा है। आमीन। उसके बगैर ये मेहरबानी नहीं पैदा हो सकती। ये जेन्युइन लव की इफेक्ट्स है, हकीकी मोहब्बत के इफेक्ट्स है। बाइबल बताती है अगर आपकी मोहब्बत में मेहरबानी नहीं, सब्र नहीं है, तो आप उसके अमल से जान सकते हैं कि ये मोहब्बत शैतानी मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत नहीं है। ये शरारत की तरह आती है और शरारत की तरह जो है वो मोहब्बत चली जाती है। लेकिन जेन्युइन लव जो है वो मेहरबान है, और मेहरबान का मतलब है मदद करने के लिए तैयार रहना, हेल्पफुल होना, तैयार रहना, हर वक्त मुस्तहिद होना मदद करने के लिए। और इसी से खुदावंद की खुदाबंदी जो है वो जाहिर होती है, क्योंकि खुदा हमारा मददगार, मेरा मददगार पाक है। आमीन। रूह कुछ हमारी मदद करता है। तीसरा असर जो मोहब्बत का है वो ये है कि वो हसद नहीं करती। क्या नहीं करती है? हसद नहीं करती। लर्न इट। ये हसदी बदरुए भी होती है। कल हम बात कर रहे थे, सम टाइम हर शख्स ये सोचता है कि मैं चेयरमैन बन गया। एक शख्स मुझसे कंप्लेन कर रहा था, वो कहने लगा हम इतने सालों से अपने चर्च में जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सानू पुलपट नहीं मिल। मैं कहा अपने चेयरमैन का गला कोट दो, पुलपट ही नहीं कुर्सी मिल गई। सब्र नहीं है, बेसब्र। मैंने तो उन्हें कहा कि सबसे अच्छा क्रिश्चियन वो है जो चुप करके चर्च आए, कलाम सुने, दुआ करे, बरकत पाए, अपना घर जाए। ये कुर्सियों पे बैठने वाले ज्यादा बेचैन हैं, ये इनको नीचे बैठने वालों से भी ज्यादा बेचैन हैं। जितने ये बेचैन है नंबर देने के लिए, बुलाने के लिए, फोन पे दुआ करने के लिए, वैसे दुआ कोई भी नहीं है। जो नीचे बैठते वो सुकून, वो कहता हमें गिरने का कोई खतरा नहीं, हम पहले नीचे। हाँ सही कह, सही कह। सो मोहब्बत जो है वो हसद, हसद क्या है? जब हम अपनी जगह दूसरे को आने नहीं देते, दिस इज जेलसी। और हर चीज का एक टाइम है। बहुत बहुत मुमकिन है कि आपके लिए खुदा ने चेयरमैनशिप लिखी ना हो। सो मोहब्बत जो है उसमें हसद नहीं, चांप नहीं, वो जगह देने के लिए रेडी है। आमीन। बिल्कुल रेडी है। और यकीन करें, जैसे अब हम शुरू कर रहे हैं काम को, खुदावन के फजल से बहुत खूबसूरत चर्च बनने वाला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अपने ईमान में पुख्ता हो गए। आमीन। नेक्स्ट जो मोहब्बत का असर है वो ये है कि मोहब्बत शेख ही नहीं मारती। आमीन। मोहब्बत क्या नहीं करती है? शिफ्ट, यानी अपनी बेहतरी नहीं चाहती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती है। शेखी जो है वो ईवल काम, ईवल वर्क। शेखी जो है वो ईवल वर्क है, बदरूहे शेखी मारती है। नेल पॉलिश लगा के ना, आपने कभी मॉडलों को देखा, मॉडलिंग जब करती नेल पॉलिश, घड़ी कैसे दिखानी, राइट, वो उसे शेखी कहते। ये जो मॉडलिंग होती है इसका जो सही डेफिनेशन है, इसका मतलब है शेखी मार दिखाना। कुछ लोग जो है वो बातों बातों में बताते हैं, ऐ नेल पॉलिश तो डोरा दी है, और तो बहुत पुरानी है, हूँ तो ऑर्गन माने दिया, फ्लाम कंपनी दिया है,
शेखी से बताएंगे कि आपने बेस्ट, आप बेस्ट भी पहने, बेस्ट लिबास भी पहने, लेकिन दूसरे को अपने से बेहतर समझे। ये इसलिए है कि आपने मसीह की मोहब्बत और अपने जुमलों में से ये निकाल दे, उनकी औकात है ये जुमला ही माइनस कर, वो इस लायक है ये भी जुमला माइनस कर, क्योंकि जब खुदा की मोहब्बत आती है आप ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बेशक हदें होती हैं जूनियर की, सीनियर्स की, बुजुर्गों की, बड़ों की, छोटों की, इस एहतराम लाइन जगह होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी छोटे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। बड़ा जो है वो छोटे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, गरीब के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। अगर आपकी ऐसी लैंग्वेज है, दिस इज सो श्योर कि आप यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं है, आपकी लाइन कहीं और से आ रही है, आपकी जो मसीही लाइन है वो पर यीशु से आ रही है, झूठे यीशु से आ रही है जो खुदा का बेटा नहीं है। शैतान ने आपको लाइन दी हुई है और आप अदाकारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो जेन्युइन है उसके अंदर जेन्युइन यीशु का ब्लड है और उस ब्लड के अंदर गरीबों की और गिरे हुओं की कदर है। उस तुकम के अंदर, उस डीएनए के अंदर यीशु का ब्लड है और यीशु जो है वो गिरे हुओं को और गुनाहगारों से प्यार कर, आमीन। हाँ ये सच है कि वो गुनाह से नफरत कर, लेकिन वो गुनाहगारों से क्या करते हैं, प्यार कर, आमीन। सो अगला जो असर है वो मोहब्बत का, वो ये है कि मोहब्बत भूलती नहीं, प्राउड नहीं करती। मोहब्बत उसके अंदर इफेक्ट ये है कि उसके अंदर जो है प्राउड नहीं है और वो फख्र नहीं करती। फख्र जो है वो खुदा की हकारत है। फख्र करना क्या है? खुदा की हकारत है। और फख्र का मतलब है अपनी काबिलियत पर डिपेंड कर, अपनी काबिलियत पर डिपेंड कर, मैं ये, मैं वो, मैं कहता हूं अच्छा है कि आप ये और वो नहीं है। अगर आप ये होते और फिर साथ में आप वो होते तो आप ये वो ये वो ये वो ही करते रहते। अच्छा हुआ आपके शुरू से ये भी खत्म हो गया और आपके एंड से वो भी खत्म हो गया। अब आप जो हैं सो आप वो ही हैं। अब आप खुदा को जलाल दे सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर होता तो यकीनी तौर पे आप खुदा के खादिम ना होते। अगर आप फला होते तो फिर आप ये ना होते। खुदा ने आपको इसलिए वो नहीं करने दिया क्योंकि आप इधर ही सेट, आमीन। और इसी में आपकी भलाई है और इसी के लिए खुदा का शुक्र अदा करो। आखिरी बात, मोहब्बत ना सेवा काम नहीं करती। कौन से काम नहीं करती? डिसऑनर करने वाले, डिसऑनर कर। बिलीव मी, मैंने अपनी जिंदगी में से हर वो अमल माइनस किया है जो दूसरों को डिसऑनर कर। वो खाने का हो, वो बैठने का हो, वो गीत गाने का हो, किसी भी चीज, यहां तक कि खुदा कहता है कि अगर तू मुझे ऑनर देता हो और कुर्बानी देता हो और अगर तेरा भाई, तो पहले तू और फिर मुझे ऑनर कर। हर वो काम करें जिससे आपकी मोहब्बत ये समझती है कि दूसरे ऑनर होते, आमीन, उन्हें डिसऑनर ना करें। और फिर खुदावंद जो है आपकी जिंदगी में मोहब्बत इस मुकाशवा को लाएगी। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के शुक्र अदा। आए खुदावंद को कहें कि हर चीज की इब्लीस जो है वो नकल पैदा कर। उसने बहुत सारी नकली मोहब्बतें इस दुनिया में पैदा की जो बहुत जल्दी हो जाती हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। खुदावंद हमें जेन्युइन लवर बन, ताकि जैसा तेरे कलाम में लिखा हम वैसी मोहब्बत करने वाले, ताकि हमारे रिश्ते मजबूत हो, हमारा चर्च में आना मजबूत हो, हम महज चर्च के मेंबर्स ना रहे बल्कि वन फैमिली बन जाए। और खुदावंद तू जलाल पा, खुदावंद तू जलाल पा, खुदावंद तू जलाल पा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आए अपने दिल को उसके सामने लेना शुरू करें और खुदावंद को कहें मुझे बेफल ना कर, खुदावंद मुझे फलदार कर दे, मेरी पोजीशन वहां ले आ, उस दरिया के पास जो पानी के पास लगाया गया जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और वो वक्त पर फल लाता है। खुदावंद तू जब भी मुझे टिटोले, मुझे ढूंढे तो मेरी जिंदगी में तुझे फल नजर आए। खुदावंद रूह के फलों से मैं भरा हूं, मेरा खानदान रूहुल कुछ के फलों से भरा हो, मेरा चर्च रूहुल कुछ के फलों से भरा हो, खुदावंद खुदा मेरी रूहानी और जिस्मानी फैमिली रूहुल कुछ के फलों से भरी हो और हर तरह की रुकावटें ब्रेक हो जाए, हर तरह के दुश्मन के अटैक्स ब्रेक हो जाए। खुदावंद तेरी मोहब्बत हम पर यहां हो जाए, हम पर जाहिर हो जाए, और तेरी मोहब्बत पाक है जिस मोहब्बत में सबर है, शेखी नहीं, हसद नहीं, बुगज नहीं, नफरत नहीं, वो मोहब्बत पाक है। पाक है जिस मोहब्बत में मुकाबला नहीं, वो मोहब्बत पाक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते, शैतान शर्मिंदा हो, अबलीस शर्मिंदा हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल हो, यीशु के नाम। आमीन, आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.